नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। वैष्णव समुदाय के परम पूज्य 108 द्वारके सराल जी महाराज की ओर से स्थापित वीपो की ओर से होली रसिया कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बड़ौदा शहर की निजामपुरा संस्था वीपो निजामपुरा संस्था की ओर से यह आयोजन किया गया। कल देर शाम समा सावली स्थित एक निजी पार्टी प्लॉट में ये पूरा आयोजन किया गया था। होली रसिया कार्यक्रम वैष्णव समुदाय के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है और होली के कुछ दिन पहले आने वाले सप्ताह में जब होली रंग बिरंगी होली का त्यौहार आ रहा है तब वैष्णव समुदाय की ओर से ये होली रसिया कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें खास तौर पर परम पूज्य 108 द्वारकेशलाल जी महाराज के पुत्र आश्रय कुमार और शरणम कुमार महोदय की उपस्थिति वहां पर देखी गई थी और युवा समुदाय का ये वीपो संगठन है जिसकी ओर से ये पूरा आयोजन किया गया। होली रसिया कार्यक्रम में करीबन 1000 किलो के रंग बिरंगी फूलों के जरिए होली खेली गई थी। योगी सरकार एक बार फिर सत्ता में आई है। जी हाँ, यूपी में एक बार फिर योगी सरकार बनी हुई है। तब चुनाव को लेकर और योगी सरकार एक बार फिर सत्ता में आई उसको लेकर कई आस्थाएं गुजरात के विभिन्न मंदिरों में रखी गई थी। तब खास तौर पर पादरा से ये तस्वीरें आई है। पादरा के पातड़िया हनुमान जी मंदिर में एक बार फिर यूपी में योगी सरकार बनने पर लड्डू का भोग रखा गया था। आपको बता दें कि महंत रामदास जी महाराज की ओर से ये लड्डू का भोग रखा गया था। यूपी में एक बार फिर जो योगी सरकार बनी हुई है तब ये योगी सरकार और 5 साल एक सुचारू संचालन करे उस हेतु से पातड़िया हनुमान जी मंदिर में ये विशेष भोग लगाया गया। हम पातड़िया हनुमान मंदिर से पादरा बड़ोदरा जिला से बोल रहे हैं। अना हनुमान जी मंदिर में पतालिया जो पादरा का है ये हनुमान जी की श्रद्धा सबकी अच्छी है, भाव है, हमारा भी हनुमान जी भाव है। कई चमत्कारी हनुमान जी में हम देखा तो हनुमान जी से हम निवेदन किया कि हे प्रभु हमारे आप इष्ट देवता हैं और हम सबकी ऊपर कृपा करें और योगी जी महाराज आना पद पर दोबारा बैठी जावे। आना योगी जी महाराज आना बड़े जो है हमारे प्रधानमंत्री माननीय मुखिया भारत के जो है मोदी जी की ऐसे बढ़िया जोड़ी बनी रहे और भारत देश का विकास करते रहें उस उपलक्ष्य में हनुमान जी का हम लाड़ू का भोग धरा करके और हनुमान जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि उनकी इसी तरह से जोड़ी बनी रहे और खूब भारत का विकास करें। सिया बलराम चंद्र की जय। आज रोज पादरा पातड़े हनुमान मंदिर खाते महाराजे जे मानता राखी थी ते निमित्ते के जेम के योगी सरकार फरीथी बनशे तो अँ महाराजे लाड़ू धरावानी मानता राखेली थी ते निमित्ते महाराजे जे आमंत्रण आप्यु छे एने मान आपीने आज ए भगवान चरण में अमे पधार्या छे। भगवान हनुमान जी दादा आ योगी अने मोदी जी नी जोड़ी ने सलामत राखे अने बधानी मनोकामना पूर्ण करे एवी ज भगवान ने प्रार्थना।
बड़ौदा शहर में लालबाग के पास साईं सुकन रेसिडेंसी आया हुआ है, जहां पर स्थानिक निवासी और बिल्डर के बीच विवाद का मामला सामने आया। दरअसल 4 साल से यहां पर रहने वाले निवासियों की ओर से बिल्डर पर आरोप लगाया गया है कि बिल्डर की ओर से जो सुविधाएं दी जाने वाली थी वो नहीं दी गई है। आखिरकार ये मामला रेरा में पहुंचा है, जिसके सामने साई सुकन के जो बिल्डर है उनका भी पक्ष बीआरजी न्यूज़ ने जाना है। बिल्डर की ओर से कहा गया है कि जो सुविधाएं दी जानी थी वो सभी सुविधाएं दी गई है, कोरोना काल में जो सुविधाएं देनी थी उसमें कुछ देरी हुई है, जिसके चलते अब स्थानिक निवासी इसके ऊपर एक बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। इसके मामले में अब रेरा में ये मामला गया है और आने वाले दिनों में रेरा में इसकी सुनवाई होगी। बीआरजी न्यूज़ की ओर से इन दोनों पक्षों को सुना गया है। स्थानिक निवासियों ने आज थाली बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया था, तब बीआरजी न्यूज के साथ इन स्थानिक निवासियों ने भी बातचीत की है। साई सुकन रेसिडेंसी राजमहल रोड वडोदरा અહીંયા ગાડી આજે આટલા બધા લોકો ભેગા થયા છે આ સાઈ સુકન રેસિડન્સી રાજમહેલ રોડમાં આવેલી છે। છેલ્લા 4 વર્ષથી અહીંયા બધા લોકો રહે છે અને 4 વર્ષથી રહેતા રહેતા બધા લોકોએ પોતપોતાની લોન લઈને આ ઘર બનાવ્યા છે, પણ જે બ્રોચરની અંદર જે કંઈ બિલ્ડરે સપના બતાવ્યા હતા એમાંથી કોઈ એમ્યુનિટીઝ કે કોઈ પ્રોસેસ એ લોકોએ પ્રોપર વેમાં પૂરી નથી કરી। ફાયર સિસ્ટમ પણ સર્ટિફિકેટ આવી ગયું છે પણ ફાયર સિસ્ટમ કોઈ ટેસ્ટેડ નથી કે એનું કોઈ ટેસ્ટિંગ પણ અમને લોકોને જોવા મળ્યું નથી। અહીંયાથી બધા લોકો જે રીતે પોતાના લોન લઈને રહેવાયા છે પણ આ બધી ફેસિલિટી ને એમ્યુનિટીઝને કશું ન મળતા, બિલ્ડરને રજૂઆત કરવા જતાં પ્રોપર એનો રિસ્પોન્સ પણ નથી મળતો, અને બધા જ લોકો આજે અહીંયા લેડીઝ વિંગ સાથે જેન્ટ્સ વિંગ સાથે તમારા માધ્યમથી આના માટે અમને ન્યાય મળે એના માટે અમે બધાએ ભેગા થઈને તમને સપોર્ટ કર્યો છે। આ બધાની રજૂઆત અમે પીએમઓ ઓફિસ, કલેક્ટર ઓફિસ, ફાયર ઓફિસ, રેરા ઓફિસમાં બધી જગ્યાએ કરેલી છે। આશા કરીએ છીએ કે આનું જલ્દીમાં જલ્દી પોઝિટિવ સોલ્યુશન આવે। બધી જગ્યાએ અમે આના બેનર પણ મારેલા છે અને એના માટેની હવે જે કંઈ પ્રોસેસ છે અને એમાં તમારા બધાનું માધ્યમથી સહકાર અમને મળે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ। એ રેરાની અંદર બિલ્ડરે કેસ કર્યો છે અને બિલ્ડરે કેસ કર્યો છે પણ બિલ્ડર પોતે રેરાની અંદર તારીખમાં હાજર થતો નથી, કેસ કરનાર વ્યક્તિ એ હાજર થતો નથી ને અમને લોકો હેરાન અમે થઈએ છીએ, પણ કેસ બિલ્ડરે ઉલટા ચોર કોતવાલ કોડ આટે કેસ બિલ્ડરે કરેલો છે। સાથી મેં એ સુવિધા કે ઉપર જો બિલ્ડર કી ઓર સે અપની સફાઈ દી ગઈ હે વો ભી આજ હમ આપકો સુનાતે હૈ। સાહેબ, સ્થાનિક વિરોધનો, સ્થાનિક લોકોનો વિરોધ તમે જોઈ શકો છો કે મારું બિલ્ડિંગનું વર્ક શું છે, બરાબર છે, અને એમને કેવી રીતના અમારી સાથે એન્ટ્રન્સફુલી આ કામ કર્યું છે, અને છેલ્લા 4 વર્ષથી હું એમનું લાઇટ બિલ પણ તમને આપ્યું અને 4 વર્ષથી એમને હું પજેશન આપેલું છે। 4 વર્ષમાં એમને તકલીફ નહીં પડી, હમણાં મારું ટાવર પૂરું થઈ ગયું છે અને મારું ટાવર પૂરું થઈ ગયા પછી બુકિંગ આનું કેવી રીતના ન થાય, અને મારે જે રેરાના નિયમ પ્રમાણે રેરાની ડિપોઝિટ જે જમા કરવાની હતી જે મને 1,12,00,000 એ લોકોએ પણ એપ્રૂવ કરી છે, રેરાએ એપ્રૂવ કરી છે, હવે એ મને મેસેજ ઇમેલ નાખે છે, મારા પાસે વોટ્સઅપ છે, ત્યાંના જે પણ એકાઉન્ટન્ટ હતા ત્યાંના જે એ કહે છે કે તમે 2 કરોડ રૂપિયા આપો પછી જ હું તમને આગળ આ ચાલવા દઈશ, અને ઘણા બધા એવા લોકો છે કે જે ત્યાંથી અહીંયા શિફ્ટ થવા માગે છે, હવે જે મને હું 40,00,000માં એમને ફ્લેટ આપેલા 50-55,00,000માં ફ્લેટ જાય છે એ વેચીને અહીંયા કહે છે કે હું અહીંયા ફ્લેટ લઈ લો બોલે, અને 65,00,000નો ફ્લેટ જે ગઈકાલે જે પાટીલ કરીને જે મારા વિરુદ્ધમાં એમને જે બોલ્યા છે એ પાટીલનું ફેમિલી મારા અહીંયા આવી અને મારા સાથે અહીંયા તમ સીસીટીવી કેમેરામાં પણ છે અને મારા છોકરાને કહે છે કે 55,00,000માં તું ફ્લેટ આપ, તારે કંઈ બી કરીને આપવો જ પડશે, અને આવી રીતના હેરાન ગતિનું છે। આપ જોઈ શકો છો હું ક્લબ હાઉસ સારું આપ્યું છે, રોડ રસ્તા સારા આપ્યા છે, પાર્કિંગ છે, ઇવન બેઝમેન્ટમાં પાર્કિંગ આપેલું છે છતાં એ લોકો રસ્તામાં પાર્કિંગ કરે છે પણ બેઝમેન્ટમાં પાર્કિંગ કરતા નથી। સો હવે આનાથી વિશેષણને અમે કંઈ બોલવા જઈએ તો અમને એ કરીએ છીએ, એટલે અમારો ધંધો તો શું છે કે અમને ખબર નથી પડતી કે આટલું બધું સવલતો આપ્યા પછી પણ શું કે મારા ઘરનું કે મારા ગાડીનું મારો છોકરો પેલું કશું જુએ નહીં, પણ આ સાઈડનું ડીઝલ થયું તો અડધી રાત્રે બી બચારો દોડીને ડીઝલ એ કરે છે, હવે જે હું બ્રોશરમાં આપ્યું છે તેના કરતાં પણ એમની ડિમાન્ડો વધારે છે
કે બ્રોશરમાં રેરા નિયમ પ્રમાણે મારે એટલે એમને 28 યુનિટ લખીને આપ્યા હતા કે ભાઈ 28 કામો તમે કરો, એની સામે 10-12 કામો હું કર્યા કે ભાઈ આટલા સીસીટીવી તો એટલા સીસીટીવી વધારે નાખી આપ્યા, આ આરસીસી રોડ તમારો જૂનો હતો તો મને નવો કરીને આપો તો આ તમે જોઈ શકો છો કે એની બી હું કરી રહ્યો છું. એટલે આ તદ્દન ખોટાને વાહિયાત મારા પર આક્ષેપો કરેલા છે અને એ એમને એવું જ છે કે ભાઈ આ ગમે તે રીતે અમને સસ્તામાં આપે અને આ બિલ્ડર આવી રીતના હેરાન થાય અને અમને પૈસા 2 કરોડ રૂપિયા આપે, 1 કરોડ 12 લાખ મારે આપવાના જેના સામે, આ જ છે સાહેબ, બીજું કશું જ નથી. ખબરો કા સિલસિલા યુંહી જારી રહેગા, પર ઉસે પહેલે લેંગે કમર્શિયલ બ્રેક, તો દેખતે રહીએ બીઆરજી ન્યૂઝ. બીઆરજી ગ્રુપ. ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है. आने वाले दिनों में रंगों का त्यौहार होली आने वाला है, तब ये तस्वीरें जो आई है वो जूनागढ़ से आई है. जूनागढ़ में बाजारों में एक बार फिर रौनक लौटी है. होली का त्यौहार है तब रंगों के साथ पिचकारी और होली में जो खाद्य सामग्री है वो बाजारों में आ चुकी है. कोरोना के काल में लगातार 2 साल से कुछ नियंत्रणों से होली का त्यौहार मनाया जा रहा था, पर इस वर्ष कोरोना होते हुए भी कोरोना का जो मामले हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, तब इस साल नागरिक जो है वो रंगों का त्यौहार बड़ी धामधूम से मना सके, उस हेतु से व्यापारी भी इस वर्ष बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं. अच्छे व्यापार की आस इस बार जगी है और रंगों का त्यौहार होने आने वाला है, तब जूनागढ़ के बाजारों में एक बार फिर रौनक लौटती दिख रही है. कोई पण प्रसंग के पर्व સારી રીતે લોકો ઉજવી શક્યા નથી, જેને લઈને આ વખતે કોરોનાની સંખ્યામાં નહીવત થતાં અને સરકારે પણ થોડા નિયંત્રણો હળવા કરતાં હવે લોકો ઉત્સવ આનંદપૂર્વક મનાવવા માટેને થનગની રહ્યા છે. અને તેને ધ્યાનમાં રાખી નજીકના દિવસોમાં આવતા હોળી ધૂળેટીના તહેવાર લોકો આનંદપૂર્વક આનંદ લઈ શકે તે માટે થઈને અત્યારથી જ બજારોમાં ઉમંગ અને ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. અને બજારમાં ખજૂર દરિયા અને ધાણીના સ્ટોલો પણ નખાઈ રહ્યા છે, તો બીજી તરફ રંગબેરંગી કલરો અને પિચકારીના સ્ટોલો પણ ઠેર ઠેર જોવા મળી રહ્યા છે. અને લોકો આનંદથી હોળીનો તહેવાર અને ધૂળેટીનો તહેવાર મનાવવા માટે થઈ અને અત્યારથી જ એક ઉત્સાહ જેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. બીઆરજી ન્યૂઝ, પ્રકાશ દવે, જૂનાગઢ. खबर तिलकवाड़ा से आई है. तिलकवाड़ा में अवैध तरीके से लकड़ी की तस्करी करते गिरोह का पर्दाफाश किया गया है. तिलकवाड़ा पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी जिसके मुताबिक वनमाला और कुकरेज के बीच पुलिस विभाग की ओर से गश्त लगाई जा रही थी, तब टेम्पो में अवैध तरीके से लकड़ी की तस्करी करते गिरोह को धर दबोचा गया है. उनके साथ लकड़ी और साथी में टेम्पो समेत के कई मुद्दा माल को भी जब्त किया गया है. आपको बता दें कि इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अवैध तरीके से ये लकड़ियों की तस्करी बीते कई सालों से कर रहे थे और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस विभाग जो तिलकवाड़ा पुलिस विभाग है उसको इन चोरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है. खबर अमरेली के जाफराबाद से आई है. जाफराबाद के पास मतियाला गांव से राजस्थान के रणुजा रामा पीर के मंदिर तक 6 लोगों का समूह पैदल निकला हुआ था. आपको बता दें कि रामा पीर रणुजा में जो मंदिर आया हुआ है वहां पर कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और लोग पैदल वहां तक पहुंचते हैं. उसी तरह मतियाला गाँव से भी 6 लोगों का समूह पैदल निकला हुआ था. मतियाला से राजस्थान के रणुजा रामा पीर मंदिर तक का रास्ता करीब 900 किलोमीटर का है. 18 दिनों में ये 6 लोगों ने ये रास्ता पैदल
तय किया था, जिसके बाद आज वो एक बार फिर अपने गांव वापस लौटे थे। तब गांववासियों ने बड़े ही धामधूम से इन सभी 6 भक्तों का भव्य स्वागत किया था। सभी गांववासी और ख़ास तौर पर महिलाओं ने इन सभी 6 जो भक्त हैं, जो 900 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करके रणुजा मंदिर तक पहुंचे थे, रामापीर की मंदिर तक पहुंचे थे, उन सभी लोगों का पांव धोकर उन लोगों का स्वागत किया गया था। इस मौके पर अमरेली के भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा है उनके जो प्रमुख हैं और साथ ही में अमरेली ज़िला पंचायत के जो प्रमुख है वो सभी वहां पर जुटे थे और इन सभी 6 जो भक्त हैं उन सभी का भव्य स्वागत किया गया। गुजरात के माड़िया हाटीना के पास लॉज गांव आया हुआ है और लोएज स्वामीनारायण संप्रदाय की जो मंदिर है वो बड़ा ही जाना माना है। तब लोएज स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक परम पूज्य स्वामी श्री चैतन्य स्वरूप दास जी आज सुबह अक्षरवासी हुए हैं। जी हाँ, चैतन्य स्वरूप दास जी जो परम पूज्य महंत स्वामी थे उनका निधन हुआ है, वो अक्षरवासी हुए हैं और आज सुबह उनका पार्थिव शरीर दर्शन हेतु रखा गया था। बड़ी संख्या में स्वामीनारायण संप्रदाय के गुरुजन समेत स्वामीनारायण संप्रदाय के जो अनुयायी है वो उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए पहुँचे थे।
आपको बता दें महंत स्वामी श्री चैतन्य कुमार स्वरूप दास जी करीबन 106 साल की आयु थी उनकी और आज उन्होंने अंतिम सांस ली और वो अक्षरवासी हुए, जिसके बाद दोपहर 12 बजे उनको समंदर के किनारे वेद शास्त्रोक्त मंत्रों के साथ अंतिम संस्कार भी दिए गए थे। बड़ी संख्या में लॉज गांव में जो स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायी है, जो भक्त हैं, उनकी उपस्थिति में एक भव्य शोभा यात्रा के जरिए महंत स्वामी श्री चैतन्य स्वरूप दास जी की अंतिम यात्रा भी निकाली गई थी और उसके बाद उनके अंतिम संस्कार धार्मिक शास्त्रोक्त विधि विधान से किए गए थे। इस समय बड़ी संख्या में विभिन्न जो स्वामीनारायण मंदिर संस्थान है उसके महंत स्वामियों की उपस्थिति अंतिम संस्कार के स्थान पर देखी गई थी। आरती ना गान साथे आपड़े स्वामी नी अंतिम आरती उतारीशु। सत्संग हरिभक्त कोई उभा न थाय, हूँ जेना नाम बोलो ए हरिभक्त आ बाजो ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक डीआरजी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। डीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही डीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।